है, जान बचाए लाखों भाई। ओ माय गॉड, टी अब ऐसे ही नहीं रखा है इसका नाम। जो ये बॉडी दिख रही है ना आपको, खच्चर की है, पूरा दब गया मलबे में। खाई देख के डर लग रहा है, ये देखो नीचे खाई ऐसे हो रही है। देखो आटा ऐसे बर्बाद है, तो घोड़े खच्चर खा रहे हैं, क्या करें बेचारे, भूख से मर गए होंगे। बड़ा सा होटल था यहाँ पे, सब बर्बाद भाई, सब कुछ तहस नहस हो रखा है। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है और मैं अभी जिंदा हूँ। नमस्ते इंटरनेट, नमस्ते बदमाश पहाड़ी। तो अभी मैं जिंदा हूँ गाइस, फाइनली मैं केदारनाथ आपदा से वापस आ चुका हूँ और अपने घर में एक दिन दो दिन का रेस्ट मैं निकल लिया है। तो अभी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा 10 घंटे का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद मैं घर आया, तो थोड़ा कूल हूँ, परफेक्ट हूँ, दवाइयाँ बराबर खा रहा हूँ। तो मैं आपको उन जगहों पर ले जाने वाला हूँ जब आपदा नहीं आई थी। और ये वाला सीन रामबाड़ा पुल का है, रामबाड़ा पुल का सीन देखिए, बहुत ही ज़्यादा और परफेक्ट बढ़िया वाला था। जब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो अच्छा लगता था, वीडियो शूट करने में मज़ा आता था, लेकिन आपदा के बाद पुल का तो नाम निशान कुछ भी नहीं बच रखा है। दोनों पुल गए मैंने, ये रामबाड़ा का सीन है, दोनों पुल आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं बचा है, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे पुल भी रहा होगा यार। तो भाई ये तीसरे पुल की बारी थी, ये वाला पुल आपको पता ही होगा, ये भी गायब हो रखा है, पूरा का पूरा पुल गायब है। ये देखो यार, पुल था यहाँ पे, लेकिन आज की डेट में लग नहीं रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें थी, पूरा मार्केट था, सब कुछ बह चुका है। तो ये वाला जो सीन दिख रहा है आपको, ये वाला ग्लेशियर का सीन था। ग्लेशियर पहले ऐसा हुआ करता था, तब तक तो यात्रा भी नहीं खुली थी और हम लोग वहाँ चले गए थे जहाँ पे बड़ा सा ग्लेशियर हुआ करता था। और ग्लेशियर के ये वाले हाल हो रखे हैं, आपको पता होगा ग्लेशियर कितना बड़ा हुआ करता था यहाँ पे, और आज ये ग्लेशियर के हाल है। ग्लेशियर वाली पूरी घाटी घाटी बन रखी है, ये चेक कीजिए, पूरा जा चुका है भाई, पूरा बह चुका है। करते हैं इस वाले ब्लॉग का भी दी एंड। प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, मिलते हैं वैसे ही आगे आगे नए नए ट्रैक में।